तिखे बयान के लिए मशहूर हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर तिखा बयान दे के सियासी हल्कों च भूचाल ल्या दिता है। अनिल विज ने हिसार के सांसद के नौजवान इनेलो नेता दुष्यंत चौटाला नशा मुक्ति केंद्र च जाके अपना इलाज करवाने की सलाह दी है। उथे विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी सियासी हमला बोलते हुए उन्होंने फेल लीडर करार दिता है। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, एनएचएम में 300 करोड़ का घोटाला हुआ है। एनएचएम का टोटल बजट 450 करोड़ का होता है और उसमें से भी 80% जो है वो जो वेजेस में जाता है, तनख्वाहों में पैसा उसका जाता है। और एनएचएम एज सच अपने स्तर पर कोई परचेज नहीं करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि दुष्यंत चौटाला जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पर नशे का काफ़ी प्रभाव है। मुझे लगता है कि इन्होंने भी नशा करना शुरू कर दिया। इनको किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाना चाहिए। केजरीवाल की तो क्रांति खत्म हो चुकी है, उनके अल्ले पल्ले तो कुछ रहा नहीं, वो तो दिल्ली से भी उखाड़ के फेंके जाने वाले हैं। तो अब कहाँ वो क्रांति लड़ेंगे ये तो वही बता सकते हैं। अंबाला तो बीएस के लिए आने दी रिपोर्ट चैनल 2।